sixth question की ओर बढ़ते हैं. Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. क्या बोला गया है? क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करती है. तो पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, एल शेप्ड फिगर ए बी सी डी. ठीक है, गिवन क्या है? A B C D is a quadrilateral in which अब इसके मिड पॉइंट तो आपके पास है नहीं, अब आपको तो लोकेट करने हैं. ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया और ये चौथा आ गया, राइट? तो इसकी वैल्यू भी हम खुद करेंगे. पी क्यू आर और ये एस. अब हमें ये बताना है, देखिए ये शो करना है कि भाई जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं और इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो ये बाइसेक कर रहा है, यानी मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट किसका? इन दोनों का. इस तरह से जैसे एस आर आर क्यू और इन सारी को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम प्रूव करके तो फिर बता दीजिए पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं दूसरे को बाइसेक कर. वेरी गुड. देखिए हमने शुरू के चार क्वेश्चंस करे हैं, तीन क्वेश्चन सॉरी जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है. और मैंने आपको एक बात बताई कॉमन चीज कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो मिड पॉइंट को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा. ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करी, मैंने ज्वाइन करा पहले मैं इस गिविन को पूरा करता हूं इन विच P, Q, R and S are the mid points of AB, BC, CD and AD respectively. ठीक है जी, अब कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा? मैंने ज्वाइन करा, ज्वाइन करा पी क्यू को, क्यू आर को, एस आर को एंड एस पी को. ठीक है जी, ये देखिए हमने सबको ज्वाइन कर दिया. ठीक है जी, टू शो. क्या शो करना है हमें? हमें शो करना है कि पी आर जो अभी दिख नहीं रही है, ठीक है, बाइसेक्ट बाइसेक्ट एस क्यू एट पॉइंट ओरिजिन, राइट? तो मैं इसको ज्वाइन करने जा रहा हूं. देखिए ये गया और ये हो गया ओपन, ये बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहां तक तो मतलब पहुंच जाएंगे तो बड़ी बात है. अंदर वाली फिगर को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे एज यूजुअल. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री. ठीक है,
सेम बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन यही, क्वेश्चन नंबर वन यही है, बस आपने ये पैरेललोग्राम प्रूफ करा ली। फिर आपको ध्यान से ये देखना है कि जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कीजिए तो यानी थ्योरम लगाकर हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए। बिगर सर चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, ठीक है, सी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे अ लाइन थ्रू द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी का एक मिड पॉइंट है एम, ठीक है जी, एंड द पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट एट डी, ए सी के पैरेलल बी सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है डी के नाम से, ठीक है, शो करिए ये तीन पॉइंट। गिवन क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। सर वो डी ए सी पे आएगा और वो बी सी का पैरेलल होगा। अब ठीक है, कहाँ है फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से। बी सी इंटरसेक्ट ए सी, अब सही है, पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी, ए बी सी इज राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट सी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है, थ्रू पॉइंट एम अ लाइन डी एम पैरेलल टू बी सी, सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है, सब कुछ गिवन है। टू शो, क्या शो करना है, नंबर एक क्या, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दूसरा पॉइंट एम डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एम डी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन ए सी। चलिए थर्ड पॉइंट, जल्दी बताइए जल्दी, सी एम इक्वल टू एम ए, एम ए इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इज हाफ ऑफ ए बी। चलिए कंस्ट्रक्शन अभी बताइए, सीएम कहीं नजर आ रही है आपको, नहीं आ रही ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन होनी है। बट उससे पहले हम क्या दिखा सकते हैं कि डी मिड पॉइंट है, इसके थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है जी, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स
ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एक स्टेप कट मैं पूरा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए जी एम डी इज परपेंडिकुलर और ए सी हमें बता दें कि परपेंडिकुलर है सामने कोई साइड लाइन जा रही है तो परपेंडिकुलर तो बनेगी वो हमेशा। अब किस तरह से बनाए किस तरह से प्रूफ करें उसके लिए हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। क्या करा मैंने ज्वाइन सी एम CM ज्वाइन करने से मुझे दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा है ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी एम डी या जो भी नाम आप रख सकते हैं क्या दिखा सकते हैं हाँ जी पहले से हम इससे शायद परपेंडिकुलर दिखाना होगा सर डी को किस तरह से सर वो कहते हैं कोई इंटीरियर है कोई इंटीरियर है कोई इंटीरियर यस सर क्योंकि ये भी पैरेलल होगा ना इससे दोनों कर लो दिखा सकते हैं राइट वो भी दिखा सकते हैं वो ज्यादा इजी है। यहाँ पर भी मैं कवर ऐसे दिखा था ठीक है जी। यहाँ पर क्योंकि हम ये बता क्वेश्चन में तो गिव ही दे रहे हैं कि पैरेलल है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 90 डिग्री दे रखा है तो दोनों एंगल कौन से बनेंगे ट्राइंगल एंगल्स के नाम सी डी एम प्लस डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर रीजन इज को इंटीरियर और ये आपको दे रखा है ये गिवन है सी डी एम प्लस 90 ठीक है जी इक्वल टू आपने लिख दिया सामने ब्रैकेट के अंदर ये जो दे रखा था ये 90 है ये गिवन है तो सी डी एम 90 दिया तो माइनस कर दिया 90 बचा ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया और ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में कंस्ट्रक्शन यहां दिखा दिए। चलिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सी एम ठीक दो ट्राइंगल बताए दोनों ट्राइंगल में कॉमरेज दिखाई है इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम ये इसके बराबर होगी ए डी इक्वल्स टू सी डी डी इज पॉइंट और यहां 90 डिग्री यहां 90 डिग्री ठीक है तो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं ए डी एम इक्वल्स टू एंगल सी डी एम ईच 90 डिग्री प्रूफ डबा ये भी लिख सकते हैं चलिए जी बीच वाली लाइन कौन बना ले डी एम इक्वल्स टू डी एम कॉमन देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम बाय एस ए एस क्राइटेरिया से। अब हम क्या दिखा सकते हैं ये साइड साइड के बराबर ए एम इक्वल टू सी एम हमें जो प्रूफ करना था सी एम इक्वल टू ए एम दिखाना था एक चीज हो गई। अब इसी में ये दिखाना है तो मुझे एक बात बताइए
बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए बी बनाइए, ए बी को मैं किस तरह से मेजर कर सकता हूं, ए एम प्लस एल बी, ठीक है जी, ए एम प्लस एम बी, ए बी इक्वल टू ए एम प्लस ए एम, कर सकते हैं ना, ये दोनों बराबर है, ये भी तो बराबर है, कितना हो गई ए बी इज इक्वल टू टू एम, टू मल्टीप्लाई में डिवाइड मार जाएगा आप ऑफ ए बी इक्वल टू ए एम, और ए एम किसके बराबर है, इसकी जगह अगर सी एम भी आ जाए तो क्या परेशानी है, सी एम, ठीक है जी, थर्ड पार्ट में प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सर।